सीखना पड़ेगा और साथ साथ हमें पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर कोई इंजीनियर बनना चाहता है तो 4 साल पेशेंस रखता है और सीखता है। ऐसा तो नहीं 1 साल करके वो कहे कि मुझे जॉब नहीं मिली, ऐसा होता है कभी? नो, नहीं होता। तो वो पेशेंस भी रखता है और सीखता भी है। डॉक्टर भी 5 से 7 साल में बना जाता है, वो भी पेशेंस रखता है और सीखता है। तो यहाँ भी फ्रेंड्स, यहाँ आपको 3 से 5 साल का पेशेंस रखना है। कोई मैजिक नहीं है, कोई चमत्कार नहीं है कि 1 दिन में या 1 महीने में पैसा आ जाएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। 3 से 5 साल पेशेंस रखना है और साथ साथ यहाँ पर सीखते रहना है। हर संडे का मतलब CNT और सेमिनार मंथ में 1 बार होता है, और भी जो भी आपके अप्लाइंस आपकी ट्रेनिंग्स करते हैं उनको सीखना है। अगर आप सीखेंगे तो आप भी एक दिन वहां से उठ के यहाँ पर खड़े होंगे और एक सेलिब्रिटी के रूप में आप भी अपनी सक्सेस स्टोरी को बता रहे होंगे। तो थैंक यू सो मच, विश यू वेल। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, मेरा नाम अभी भी पवन कटारिया ही है और सब कुछ बता चुके हैं। कहते हैं जब कहते हैं किसी के घर जाते हैं कि घर बड़ा छोटा है, कहते हैं है ना, लेकिन कह रहे हैं दिल में बड़ी जगह है, आ जाओ। तो ऐसे ही हमारा हॉल तो आज छोटा पड़ गया है, लेकिन आपके दिल में क्योंकि बड़ी जगह है तो थोड़ा थोड़ा और आगे आ जाओ, देखो फिर इसके बाद भी कितने लोग आगे आ जाते हैं। और ये जो साइड पे खड़े हैं ना, ये भी आगे आगे आ जाओ, फिर ऐसे लगेगा इतने और भी आ जाए तब भी समा सकते हैं। तो कुछ भी नया नहीं है, कपल में करने का फायदा यही है कि सब कुछ वाइफ कह देती है, आपको गले को आराम मिल सकता है। तो थैंक यू सो मच। ओके, गुड मॉर्निंग। ओके, गुड मॉर्निंग। मैं से उमेश साहू बाय प्रोफेशन में का अकाउंट्स मैनेजर जॉब कर रहा था। ये यहाँ पे कितने लोग फर्स्ट टाइम है? मेरे को एक पर्सन ने 2 महीने तक फॉलो किया, मैं एक्सीडेंटली इसी एंट्री के इसी प्रोग्राम के अंदर मैंने एंट्री लिया। वो मेरे को 2 महीने तक बताता, भाई साहब आपकी जैसे पढ़े लिखे लोग ये प्रोग्राम में आते हैं, करते लेते हैं, ये है वो है। मैं इसको भगा लेता था, इसकी मन को रखने के लिए मैंने इसको ज्वाइनिंग किया, प्रोडक्ट लिया। मैंने बोला देख कंडीशन रख लिया, मेरे को और दोबारा नहीं करना कुछ, प्रोडक्ट लिया बस। 6 महीने तक उन्हें कुछ बोला नहीं। उसने मेरे को बार बार बोल रहा था कि भाई साहब आपकी जो प्रोडक्ट खा रहे हो, नहीं खा रहे हो, क्या कर रहे हो? हाँ हाँ खा रहा हूँ खा रहा हूँ, बिल्कुल छुआ नहीं था मैंने। 2-3 महीने में 4 महीने 6 महीने के बाद मेरे को जो हेल्थ भी इशू हुआ उसको पता चल गया। वो आके फिर घर बैठ गया, आपका जैसे प्रॉब्लम है ये तो बहुत जल्दी ठीक हो चुका है, ये हो चुका है, ऐसे हो चुका है। कैसे ठीक हो चुका है? मैंने ऐसे ऐसे अपलाइन को लेकर बैठा दिया, समझा दिया, प्रोडक्ट दिया, जो कि मैंने 6 महीने 3-4 महीने में ट्रीटमेंट हुआ था ठीक नहीं हुआ था, प्रोडक्ट के माध्यम से ठीक हो गया। तब जाके मेरे को विश्वास हुआ इस प्रोडक्ट के अंदर कुछ ना कुछ दम है। तो यहाँ पे क्या हुआ, सेकेंड स्टेज में आया, मैंने प्रोडक्ट को देख के मैंने इसको इस्तेमाल किया, फिर भी काम नहीं किया। बट उसने बार बार और उंगली मार रहा था मेरे को, ऐसा आपकी जैसे ठीक हो गया कोई लोग है मेरे को बता दो। मैं इसको खाली नंबर दे रहा था, वो सिर्फ क्या कर रहा था मेरे को पता नहीं। 2-4 महीने बाद मेरे पास चेक आना शुरू हो गया। बोले चेक कैसे आता है? कब भाई साहब बताया था ना यहाँ पे 1 लाख रुपये इनकम लेते, मैं कैसे लेते बता। फिर आके मेरे को इनकम बारे में बताया, जब इनकम बारे में बताया थोड़ा बहुत मेरे को विश्वास हुआ। मैंने पार्ट टाइम डे सैटरडे संडे को काम किया, 1.5 साल के अंदर मैंने 12 साल जॉब किया। मैं प्रोफेशनल डिग्री अकाउंट्स में हूँ, 60,000 इनकम में था, यहाँ पे जॉब की इनकम को क्रॉस कर गया, कमाल हो गया फिर। और जॉब की इनकम को क्रॉस किया एकदम से, मेरे को फॉरेन टूर भेजने के लिए तैयार हो गए। फॉरेन टूर सर जाना है, अगर पासपोर्ट नहीं फॉरेन टूर कहाँ जाएंगे, 15 दिन में बना देंगे। फिर मेरे को फास्ट फॉरेन टूर मिल गया। जब फॉरेन टूर मिल गया, आंखों के सामने जो पर्दा लगा हुआ था रियल लाइफ क्या होता है फॉरेन जाने में, तब मैंने डिसीजन वहां पे ले गया, 1 साल के अंदर जॉब छोड़ूंगा। 1 साल हुआ नहीं था, 8 महीने के अंदर मैंने जॉब छोड़ दिया था, लाखों की इनकम में पहुंच गया था। और पहले मैंने इनकम 400 रुपये था, 1 लाख इनकम तो क्रॉस कर गया, हाईएस्ट इनकम 1,42,303 रुपये का। आज मैं जॉब के छोड़ के फुल टाइम काम कर चुका हूँ, कैरियर ले चुका हूँ। आज मैं कार भी मेंटेन कर रहा हूँ, लोग कार लेते हैं बहुत सारे नौकरी वाले लेते हैं, कार की कलर छूट जाता है कल कपड़ा मार मार के। यहाँ पे डेली कम से कम 100-150 किलोमीटर कार चलता है, 5 बार फॉरेन टूर जा चुका हूँ। यहाँ पे हाउस फंड सुने देंगे, हाउस फंड भी क्लियर कर चुका हूँ। यहाँ पे हुआ कैसे ये जानना चाहते हैं? सिर्फ ईमानदारी से साम दाम दंड भेद पैदा करके खुद प्रोडक्ट खाओ, दूसरों को खिलाओ, मना करने के बाद खिलाना है। मेरे फ्रेंड ने बताया मैंने प्रोडक्ट नहीं खाऊंगा, मैंने कहा ठीक है नहीं खाएगा, अगर हॉस्पिटल में पड़ा अगर मेरे को बुलाया पैसा मांगा देख लेना। वो लिया फ्लास्क लिया,
आया, ऐसे ही प्रोडक्ट मैंने खाना दूसरों को खिलाया। इस तरह सी एन टी संडे का मतलब, संडे का नाम क्रॉस दे के इसके नाम लिख दो वेस्टिज। संडे मतलब एक महीने में एक सक्सेस सेमिनार, छूटना नहीं है, सक्सेस सेमिनार अटेंड करना है। थर्ड टाइम, थर्ड जो पॉइंट है, सक्सेस बाय चॉइस। सिद्धार्थ सिंह का जो अगर प्रोग्राम, अगर कोई प्रोग्राम देखेगा, अगर वो देखना चाहता है, नहीं देखना चाहता फिर भी देखाना इसको, क्योंकि जो सोचता है ना वहां पे जाने के बाद जाके ऑटोमेटिक अलग प्रकार की इंसान बन के आ जाता है। अगर मैं प्रोडक्ट हूँ आज वेस्टिज के अंदर, मैं नॉर्मल इनकम के अंदर था, सिद्धार्थ सिंह का जो, सिद्धार्थ जी का जो प्रोग्राम है सक्सेस बाय चॉइस की माध्यम से मैं वहां तक पहुंच चुका हूं। अकेला मैं नहीं हूं, टीम में 15 लोग भी ऐसे हैं मेरी तरह है। ठीक है, सक्सेस होना चाहते हो क्या करना पड़ेगा, प्रोडक्ट खाना, दूसरों को दिलाना है और यहाँ पे प्रोग्राम के अंदर रहना है। ओके, थैंक यू वेरी मच, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग, मजा आ रहा है? अच्छा, कितने लोगों को आ रहा है? मजा तो आता नहीं है ना, गाय का भी दूध देती है, देती है ना, निकालना पड़ता है उसको। ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया, गुड। मैं अपना परिचय देता हूँ, मेरा नाम राजेश्वर कुमार है, गोपालगंज जिला से बिलोंग करता हूँ, किसान परिवार में जन्म हुआ, दादाजी किसान, पापा जी किसान, हमें भी पता है धान गेहूँ कैसे उगाया जाता है। सरकारी स्कूल में पढ़ाई लिखाई हुआ पेड़ के नीचे, और 10वीं में 2 बार फेल हुआ, तीसरी बार कैसे पास हुआ वो मेरे को पता है, और क्यों पास हुआ उसका जरूरत आज तक पड़ा नहीं। उसका रीजन ये था कि बचपन से नमूनिया की दिक्कत थी, कभी मैं ठीक नहीं रहता था, 3 दिन स्कूल 3 दिन हॉस्पिटल, और इसके वजह से हमारा एकेडमी का पढ़ाई बहुत अच्छे तरीके से नहीं हो पाया, और जिसके कारण मैं 1995 में दिल्ली आया, लगभग 28-29 साल हो गया दिल्ली में रहते हुए। पढ़ाई लिखाई बहुत बढ़िया नहीं था, तो नौकरी भी बहुत बढ़िया नहीं मिला। मैं सिलाई का काम सीखा, बुटीक चलाया, कपड़े सिलने का काम सीखा, और 200 साल उसी सिलाई के काम में मैं रहा। बच्चे बड़े हो गए, माँ बाप का मैं अकेला हूँ, 3 हमारे बच्चे, एक छोटी सिस्टर, बूढ़े माता पिता, परिवार में 8 लोगों का परिवार, अकेले कमाने वाला इंसान। आप सोच सकते हैं किस तरीके से गुजारा चलता होगा। 11,500 रुपये की नौकरी से मिलता था मेरे को, और मम्मी से बात होता था, मम्मी कहती थी कि बेटा सर्दी में टोपी पहन के रहना, क्योंकि नमूनिया था मेरे को। गर्मी में बोलती थी कि ठंडा पानी मत पीना, बरसात में बोलती थी कि भीगना मत। जब माँ की ये बातें सुनता था तो भगवान को याद करता था, ये भगवान मेरे को आपने सर्दी जुकाम गिफ्ट में आपने दे दिया है। मैं सोचता था कि कैसे मैं ठीक हूँ, और ठीक हुआ। वेस्टिज के नोनी एस्पोरिना, मतलब एक मेरे को जीवन दान दिया, एक बार इसके लिए जोरदार ताली बजाएं। और यहाँ पे 99% लोग अपने हेल्थ को लेके आते हैं, बाय डिफॉल्ट ये बिजनेस हो जाता है। मेरे को भी पता नहीं था, मेरे पूरे खानदान, पूरे डिस्ट्रिक्ट में किसी ने इस तरीके का काम करके एक अच्छे लेवल पे नहीं पहुंचा है, मैं भी नहीं देखा था उनको। लेकिन जब इस माहौल में मैं आया तो मैंने कहा ये तो बहुत ही बढ़िया काम है, हेल्थ तो है ही, साथ में इंसान के सपनों भी पूरे होते हैं, और मेरी इनकम थी 11,500 रुपये, और यहाँ पे लाखों रुपए की बातें हो रही थी, मेरे सर से ये बात ऊपर जा रही थी, नहीं समझ में आ रहा था। सलम एरिया जे कॉलोनी में रहता था मैं। जब मैं घर पे जाके अपने बीवी से बोला कि तू मेरे को 1 साल साथ दे दो, मैं तुम्हारे को कार में घुमाऊंगा, वो मेरे आंखों में आंखें डाल के बोल रही है कि 200 साल से साथ दे रही हूँ, करवा चौथ में तू साड़ी खरीद के नहीं देते हो, तुम कार क्या मेरे को दिलाओगे? ये रियलिटी है, हकीकत है ये। और उसी दिन मैं भी कसम खाया कि अब कार भी आएगी, तू चलाएगी, मैं बैठूंगा। और कहते ना, जो सोचते हैं वो हो जाता है। आज ये नजारा है कि मैं 2-2 कार ले चुका हूं यहां से, एक मैंने खुद लिया, एक सिस्टर को गिफ्ट किया। मैं गोपालगंज रहता हूं, बिहार में 1,000 किलोमीटर की दूरी है, और जब हम जाते हैं तो लखनऊ तक तो वहीं खींच देती है। मैं उसको कार सिखाया, उसको लाइसेंस बनवाया। मैंने अपने पापा को बोला कि 1 लाख कमाऊंगा, पापा मेरा मुंह सूंघ रहे हैं कि ये तो पीता होता तो है नहीं, ये बोल के आ रहा है बाइक की बात। कहने का मतलब है कि अपने लोग ही अपनी बातों को नहीं समझते है कि नहीं, लेकिन ये ऐसा सिस्टम है कि दिलाता है। यहाँ पे मेरी इनकम, हाईएस्ट इनकम 2.5 लाख रुपए प्लस का है,
2000 से शुरुआत हुई थी। आपने देखा होगा कि यहाँ पे टूर मिलता है। मेरी शादी 1997 में हुई थी, 22 साल हो गया था, सिलाई का दुकान खोल दिया, कुल्लू बंद कर दिया, मनाली यही जिंदगी चल रहा था। लेकिन वेस्टिज की ताकत, अबू धाबी, दुबई, थाईलैंड, बैंकॉक, पटाया, मलेशिया, मैं इसको घूम चुका, ठीक है। और उसके बाद मैंने हाउस फंड से 2 घर हमने लिया, उसके बाद टीम में कई लोगों ने कारें खरीदी, और लगभग यहाँ से मैं 2.5 करोड़ से भी ज्यादा रुपए मैंने कमाया है। चलिए, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, भगवान का आशीर्वाद बना रहे, और ऐसे ही हम लोग मिलते रहे, आगे बढ़ते रहे।